पार्षद जब रहवासियों की समस्याओं का निराकरण करने में नाकाम हुए तो अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर के पास चले गए, मगर जब पार्षद को यहां भी अपना काम होता नहीं दिखा तो पार्षद ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे दी। वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं को लेकर रहवासियों ने पार्षद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हरदा में नगर के वीर दुर्गा दास राठौर वार्ड क्रमांक 34 में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते वार्ड वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पार्षद लक्ष्मण सिंह सिटोलेक से कई बार रहवासियों ने बात की, किंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे वार्ड की महिलाएं आक्रोशित होकर पार्षद के खिलाफ धरने पर बैठी। रहवासियों को अपने खिलाफ देखकर पार्षद जिला कलेक्टर के पास जा पहुंचे। कलेक्टर ने एसडीएम को 15 दिन के अंदर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए, मगर कार्रवाई नहीं की गई और न ही विकास कार्यों को कराया गया। ये अवैध कॉलोनी के निवासी हैं और नगर पालिका के पास कोई फंड नहीं है जो कार्रवाई कराए, लेकिन फिर भी नगर पालिका सीएमओ को बताया गया था, कुछ साफ सफाई उन्होंने वहाँ कराई है, लेकिन पानी निकासी नहीं हो रही है, इस बात को लेकर के पार्षद ने जो आवेदन दिया था। समस्या का समाधान न होने से पार्षद ने जनसुनवाई में फिर आवेदन दिया और रामानंद नगर, प्रज्ञा नगर, आनंद नगर, शर्मा कॉलोनी, मदीना कॉलोनी में समस्याओं का समाधान जल्द कराने की मांग की। समस्या का हल न होने पर पार्षद ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। एसडीएम साहब के द्वारा बुलाया, हमारी बात पूरी सुनी, हमने उनको कहा कि श्रीमान जी अगर ये समस्या हल नहीं होगी तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, पूरा आश्वासन दिया है कि हम एक महीने के भीतर कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और वहाँ जो रोड नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था है उसको करा के देंगे। इस कारण आज आप अपनी बात रख दी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए मेरा भूख हड़ताल बैठना स्थगित हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।